कल हमारे परिवहन आयुक्त हरियाणा से हमें आदेश प्राप्त हुए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो इनको बड़ी राहत देते हुए, ई रिक्शा और जो थ्री व्हीलर हैं, दोनों पैसेंजर और गुड्स, इनको एक बड़ी राहत देते हुए सरकार से आदेश प्राप्त हुए हैं कि इनको सोनीपत में ही इनकी पासिंग की जाए। जो इनको हर साल, जो पुराने ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा है, इनको हर साल पासिंग करवानी पड़ती है, तो इससे पूर्व में इनको रोहतक जाना पड़ता था, तो इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ई रिक्शा इतनी चार्जिंग होती नहीं है कि वो रोहतक जाए और रोहतक से वापस आए। तो इन्हीं दिक्कतों को सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक देखते हुए और इसका समाधान निकाला है कि इनकी अब जो ये वार्षिक पासिंग होती है वो अब सोनीपत में ही हुआ करती है। सर किस किस वाले को ई कार्ड कहते हैं, ये दो हो गए। उसके बाद थ्री व्हीलर, चाहे वो सवारी हो चाहे माल ढोने वाली हो, भार ढोने वाली हो, इन तरह के जो जितने भी थ्री व्हीलर व्हीकल हैं वो अब सोनीपत में ही पास किए जाए।